आज मैं आपको हीट प्रूफ कोटिंग के बारे में बताने लगा हूँ, जिसके बाद आप अपने घर के एसी बंद कर देंगे। जितनी मर्जी तपिश हो घर में, जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ता जाए, घर आपके ठंडे रहेंगे, टेम्परेचर आपका हाफ रहेगा। एसी जो है, अगर आप 10 आवर्स यूज करते हैं, ये थर्मो शीट अप्लाई की हुई है अपनी छतों पर, 3-4 आवर्स अगर आप यूज करते हैं तो दैट्स इनफ, आपके कमरे जो है वो ठंडे रहेंगे। बिलाल साहब बताइएगा कि हीट प्रूफ जो कोटिंग है बेसिकली ये होती क्या, सबसे पहले इसके बारे में बताइएगा। इसका जो बेसिकली इसका जो नाम हम लोगों ने प्रोनाउंस किया वो थर्मो शील्ड इसका नाम है जी जी। इसकी 3 coat अप्लाई करते हैं ये। इसके इसका अप्लाई करने का इसका तरीका ये है कि आपने प्रिपेयर ऑफ सरफेस करना है पहले, ठीक है। उसमें ये कि सफाई प्रॉपरली कर ले एप्लीकेटर जो भी है, या जो अगर आप खुद कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। प्रॉपर आप इसकी सफाई करें, सरफेस की सफाई की, सरफेस की करने के बाद वेट करना एडवांटेज है कि आप वेट कर लें अपने सरफेस को जी जी। जब वेट कर लिया तो उसके बाद आप कोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1 coat पहले अप्लाई करेंगे, जैसे लेबर कोट कर रहा था अप्लाई, उसके बाद 2nd coat होगा, उसमें कोई ड्यूरेशन में 2 hours का आप टाइम दें, फिर उसके बाद 3rd step जो है वो है 3rd coat का, वो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। ये जो कोट्स आपने बताए ये कितने कितने दुरानियों के बाद, जब छत को आपने साफ कर लिया जी जी, पानी भी ये लगा दिया, उसके कितने देर बाद पहला कोट करना, फिर दूसरा और तीसरा? एक कोट से दूसरे कोट का कम अज़ कम 2 hours का आप टाइम दें ताकि प्रॉपरली ड्राई हो जाए, इसकी DFT फिल्म बन जाए थिकनेस, फिर 2nd coat आप अप्लाई करो, ठीक है। अब आपने ये हीट प्रूफ कोटिंग कर दिया है जी जी। सूरज बहुत तेज है जी जी, तकरीबन अभी मैं बता रहा था 40+ टेम्परेचर हो चुका है। एग्जैक्टली घरों में अंदर जो सूरज पड़ता जा रहा है तपिश जो है अब्सॉर्ब करती जा रही है छतें और नीचे जा रही है घरों में, बिल्कुल। तो ये कैसे उसको रोकेगा? अब इसको ऑफकोर्स इसकी कोटिंग्स फ्लेक्सिबल है, हाई फ्लेक्सिबल ये कोटिंग्स है जी। अगर आप ये यूवी रेजिस्टेंट कंट्रोल करता है, यानी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, मतलब सनलाइट टकरा के रेडिएशन ऊपर निकल जाए, रेडिएशन ऊपर चली जाती है। अच्छा, उसका एडवांटेज ये होता है कि आपके जो घर हैं कम से कम 8 से 10 degrees टेम्परेचर रिड्यूस करता है टेम्परेचर। अच्छा, मतलब अगर 40 है तो घर के अंदर जो है 30 या 28 होगा, ठीक है। मतलब उसमें ये कि आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो ये है कि आजकल जो हर बंदा जो है बिजली कॉस्ट सेव करना चाहता है जी जी। तो आप एसी जो है वो अगर आप 10 आवर्स यूज़ करते हैं तो अगर आपने ये थर्मो शीट अप्लाई की हुई है अपनी छतों पर तो वो आप 3-4 hours अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट्स इनफ, आपके कमरे जो हैं वो ठंडे रहेंगे, ठीक है। अब ये बताएं कि ये जो कोटिंग एक बार की जाती है जी जी, इसका दुरानिया कितना होता है? क्या हर साल करवानी पड़ेगी, क्या 6 महीने बाद करवानी पड़ेगी जी जी, या 2 साल बाद, कितना दुरानिया है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अक्सर जो कस्टमर्स हैं वो यही परेशान रहते हैं कि हमें शायद बार बार रिपीट करनी पड़ेगी जी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हमारी जो कंपनी की जो प्रोडक्ट है, ये आप कम अज़ कम एक बार अप्लाई कर लें तो 10 years तक आपको यू डोंट नीड टू अप्लाई रीडू, ठीक है। आफ्टर 10 years आप इसको दोबारा अप्लाई करें, मतलब 10 साल तक ये ऐसे ही कायम रहेगा, टेम्परेचर जितना भी जाए आपके घर ठंडे रहेंगे, बिल्कुल घर ठंडे, ठीक है। छतों पर पानी के टैंक होते हैं, वाटर टैंक जैसे कि पीछे बना भी हुआ है, और उसके अलावा आपकी जो पाइपलाइन होती है पानी की, वहाँ से भी गर्म पानी आता है, नलके खोलते हैं तो उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है, आप बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं। वाटर टैंक जो है, वाटर टैंक पे तो हम लोग इसलिए भी रेकमेंड करते हैं कि गर्मियों में पानी जो है वो गर्म आता है, सही है। तो वो वाटर टैंक अगर आपने अंदर से भी और बाहर से भी अगर इसको कम्प्लीट कोटिंग कर देते हैं तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आपका पानी जो है वो गर्म नहीं होगा, ठीक है, तो घर में पानी जो है वो नॉर्मल आएगा। इस हीट प्रूफ कोटिंग के बारे में बताएंगे, जो आपके टीन है जी जी, ठीक है, इसकी तैयारी किस तरह होती है, मतलब लगाने से पहले इसको भी तो तैयार किया जाता है, जैसे दीवारों पे पेंट होते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं हमारे से परचेज करके जाते हैं बकेट, बट अप्लाई करने से पहले वो प्रॉपर जो प्रोसेस है जो हम लोग रेकमेंड करते हैं वो नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आपने इसमें 4 liters पानी ऐड करना है और प्रॉपर इसको मिक्स करना है मिनिमम 5 to 10 minutes, सही है। प्रॉपर मिक्स करने के बाद देन यू हैव टू स्टार्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर 20 liters का ये है तो पानी जी कितना चाहिए? 4 liters आपने कम से कम ऐड करना है जी, ठीक है। और इससे टोटल और पानी आपने देखना है कि साफ हो, हाँ। ऐसा ना हो कि उसमें कोई मिक्सिंग हो, कोई मसाम कोई उसके ब्लॉकेज आए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सफाई जो है वो बड़ी काउंट करती है कि आपने प्रॉपर सफाई जो सी करके एप्लीकेटर को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आपने ये लेप तैयार कर लिया पानी मिक्सअप करके जी जी, उसके कितनी देर बाद आपने वक्फा देना है उसको, मतलब रेडी होने के लिए, फिर आप नहीं वो रेडी टू स्टार्ट होता है, आपने मिक्सिंग की देन यू हैव टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है। छतों के सिर्फ ग्राउंड पे किया जाता है घर को तपिश से बचाने के लिए या दीवारों पर भी लाजम होता है? दीवारों पे कर लें तो प्लस पॉइंट होता है, हम लोग तो रेकमेंड करते हैं कि आप कंप्लीट सैंडविच इसको बकेट करें, आप दीवारों पे भी करें और जहाँ जहाँ पे आपका जो ओपन एरिया है जी जी उसको करें ताकि किसी भी जगह से आपको इसको रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है। अब ये बताइएगा इस पे खर्चा कितना आता है? अगर 20 square foot की छत है या 40 square foot की है, स्क्वेयर फुट के हिसाब से बताइएगा कि किस कितने स्क्वेयर फुट के लिए कितना आपको टीन चाहिए जी जी। या कितने टीन चाहिए, बिल्कुल खर्चा कितना आएगा?
हमारे ड्रम्स होते हैं जी, उस ड्रम्स की जो प्राइस है वो 12,000 प्राइस है, ठीक है, और वो 400 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है विद 3 कोट, ठीक है। बट ये कि अगर आपके कोई रेफरेंस आएगा तो ऑफ कोर्स हम लोग डिस्काउंट देंगे मैक्सिमम। कितना? हम लोग 10,000 में वो ड्रम ऑफर करते हैं, ठीक है। एक ड्रम में कितना होता है? उर्दू पॉइंट की तरफ से आएगा। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो हीट प्रूफ कोटिंग है इसका कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ, दुनिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर पाकिस्तान में कैसे कब से आया? जी बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये बेसिकली जर्मनी से स्टार्ट हुआ था, जर्मनी ने इसको लॉन्च किया था। बट ये कि अमेरिका में भी पहले आ गया जा रहा है, ऑफकोर्स पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में स्टेप बाई स्टेप आ रहा है आगे। हमें खुशी है कि और भी कंपनीज आना चाह रही हैं इस फील्ड में। बट हम लोग इसको पायनियर के तौर पर अपने आप को समझते हैं कि लार्ज हमारे पास एक रेंज के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, और माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे हैं वो, और बड़ा पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिल रहा है मार्केट। ठीक है, पाकिस्तान के किस किस शहर में, किस किस सूबे में, कौन सी अहम इमारतों की जो छतें हैं उस पे आपने हीट प्रूफ कोटिंग कर ली है? रेंज ऑफ लिस्ट तो खैर बहुत बड़ी है, इसमें ये एम्पोरियम प्रोजेक्ट हमने किया हुआ है, सेंटोरस है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है, और गीगा ग्रुप जो है रवात पे इस्लामाबाद में, उसके काफ़ी बड़े किए हैं। हाउसिंग्स में हम लोगों ने बड़े काम किए हुए, बहरिया टाउन हो गया, जिस तरह अस्करी हाउसिंग हो गई, और डिफरेंट सोसाइटीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। इस हीट प्रूफ कोटिंग के लिए क्या लाजम है कि आप लेबर हायर करें या ख़ुद भी किया जा सकता है? ये बड़ा इजी एप्लीकेशन है, सिर्फ टेक्निकली थोड़ा सा समझने की बात है कि इसका जो प्रिपेयर ऑफ सरफेस है वो प्रॉपर किया जाए, और इसकी मिक्सिंग जो पानी के अंदर एड ऑन आपने करना है इसको मटीरियल को, अगर प्रॉपर मिक्स करके आप अप्लाई करते हैं जी तो आप यू कैन डू योर सेल्फ, और कोई इशू नहीं है इसको अप्लाई करने में, ईजीली ये एप्लीकेशन हो सकती है। बट ये कि कोई कॉर्नर्स, कोई बीट्स वगैरह कोई मिस नहीं करना है आपने, अप्लाई करना है तो प्रॉपरली आप पूरी रूफ को अप्लाई करें इसको, ठीक है। अब इसके बारे में ये बताएं कि जो आप हीट प्रूफ कोटिंग कौन सी रिकमेंड करेंगे कि कौन सी, मतलब जो पब्लिक को परचेज करनी चाहिए अपने घरों को तपिश से बचाने के लिए? यूनिकॉर्न केमिकल्स की जो थर्मो शील्ड है वो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है एक तो कम अज़ कम 15 ईयर से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और माशाल्लाह आज तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं हमने जनरेट की है कि हमें कोई इशू आया हो, तो लॉन्ग लास्टिंग ये प्रोडक्ट है और बड़ी फेथफुल है, इसका एडवांटेजेस ही हैं अगर आप लेते हैं ये, ठीक है। अब ये बताइएगा, चूंकि ये कोटिंग जो है लेंटर पे होती है, छत पे होती जी है, जी जी, ठीक है, ब्रिक्स की भी कुछ छतें होती हैं, मतलब कि लेंटर नहीं होता जी जी, सिर्फ उन्होंने फटे रखे होते हैं, बिल्कुल सही, उधर भी बड़ी तपिश होती है जी जी, उनके लिए बताइएगा। देखें इसमें सरफस में आप फाइबर सरफस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पाइप है तो पाइप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और सीमेंटिशियस अगर सरफस है आपका तो उस पर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट के अगर आपका टाइल्स का फ्लोर है, रूफ है, रूफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार जब कोटिंग होती है इसकी क्या कंडीशन बन जाती है हमारे नाज़रीन को दिखाएं जी जी, जो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है और हमने उसको उखाड़ के अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, तो दिखाएं कैसी कंडीशन होती है। ये प्रोडक्ट है, ये 3 कोट इसके अप्लाई हुए हुए हैं, और ये फ्लेक्सीबल, इसकी फ्लेक्सीबिलिटी देखें आप कि हाईली फ्लेक्सीबल है ये। इसका एडवांटेज ये है कि आपके जो सरफेस है उस पर क्रैक्स नहीं आएंगे किसी भी किस्म के, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मजबूत एक लेयर, जैसे कोई केमिकल जो है वो जम गया हुआ है, बिल्कुल मजबूती के साथ, मतलब इसके अंदर से कुछ भी, कोई बारिश हो रही है पानी की भी कंट्रोल करता है, बिल्कुल, क्योंकि देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत मजबूत कोई शील्ड बन गई है। जिन्होंने अपने घरों के छतों पर हीट प्रूफ कोटिंग करवानी है, किस तरह आपसे रब्ता करें, किस तरह वो डीलिंग करेंगे, आपकी टीम, आपका रिस्पॉन्स कब तक उन तक जाएगा? बड़ा ईजी सेस है हमारे से कॉन्टेक्ट करने का, हमारे जो है आप फेसबुक पे या हमारी जो वेबसाइट है unicornchemical.com, सही है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें, हमारे पास जो ही इंक्वायरी जनरेट होती है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्टेक्ट करके फॉलो करता है, और कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली हम लोग रिस्पॉन्स करके क्लाइंट तक पहुँचें।